नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने इस चैनल में एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। पिता की कविताएं पुत्र के मुख से। मेरे पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अपने सेवाकाल के दौरान ही अनायास कैंसर के कारण 6 महीने में ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। 6 महीने वे संघर्ष करते रहे जीवन और मृत्यु का बड़े साहस के साथ। जीवन में प्रारंभ से ही आर्थिक संघर्षों से जूझते हुए उन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। जब वे मात्र 30-32 वर्ष के थे तब उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित होता है जिसका नाम है आदमी, मोहर और कुर्सी। मैं उनके उसी कविता संग्रह से उनकी एक कविता आज इस चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर नरेंद्र भानावत यदि आज जीवित होते तो 13 सितंबर 2024 यानी इस वर्ष में वे अपनी 90वीं जयंती मना रहे होते, लेकिन मात्र 59 वर्ष की उम्र में वे इस दुनिया से महाप्रयाण कर गए। हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि जब विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय की बात हो या अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो तो एक समय था जब हमें अपने दस्तावेजों को सत्यापित कराना पड़ता था। अभी भी कई जगह यह आवश्यकता है, हालांकि अनेक जगह आजकल आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों से भी काम चल रहा है। लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो हमारी अंक तालिकाएं हो, जीवन मृत्यु के प्रमाण पत्र हो आदि, अनेक ऐसे दस्तावेज थे जो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से न सिर्फ हस्ताक्षर कराने अनिवार्य थे बल्कि उस पर उनकी मोहर भी लगनी थी, उनकी सील भी लगनी चाहिए। यदि व्यक्ति स्वयं उस कार्यालय में जाकर के कहे कि महोदय मैं स्वयं गजेटेड ऑफिसर हूं और मैं उस पे आपको ये विश्वास के साथ कहता हूं मेरी बात मानिए, लेकिन संबंधित कर्मचारी आपसे कहेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे, इस पे सील होनी जरूरी है, तो आपके जो सत्यता है, विश्वसनीयता है, वो उस मोहर से या सील से ही प्रमाणित होती थी। 1968 में 32 वर्ष का युवा इस परिस्थिति को कैसे देखता है, आइए डॉक्टर नरेंद्र भानावत की यह कविता आदमी, मोहर और कुर्सी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक छोटा सा व्यंग निहित है इसमें। कविता का नाम आदमी, मोहर और कुर्सी। आदमी से आदमी की मोहर बड़ी होती है, आदमी से आदमी की मोहर बड़ी होती है, जो सवेरे की परछाई मोहर लापता बारह बच गई, आदमी के अस्तित्व की सीमा पैरों ही पैरों में सो गई, खो गई। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम सुबह घर से बाहर निकलते हैं, चल रहे होते हैं, पैदल चलते समय हम देखते हैं कि हमारी पूरी जो प्रतिछाया है वो हमारे साथ साथ चलती है, लेकिन जब ठीक बारह बजते हैं तो हमारी छाया एक तरह से वहीं सिमट जाती है। उसी परिस्थिति को कवि ने अपने शब्दों में व्यक्त किया। आदमी से आदमी की मोहर बड़ी होती है, जो सवेरे की परछाई आपसे भी आगे निकल जाती है, मोहर लापता बारह बज गई, आदमी के अस्तित्व की सीमा पैरों ही पैरों में सो गई, खो गई। आदमी का सत्य कांपता, विश्वास हिलता, ईमान बेहोश हो रोता तड़पता, क्योंकि मोहर लापता। आदमी का सत्य कांपता, विश्वास हिलता, ईमान बेहोश हो रोता तड़पता, क्योंकि मोहर लापता। मोहर के मिलते ही कागज पे लगते ही, मोहर के मिलते ही कागज पे लगते ही हो जाता सत्य का अटेस्टेशन, विश्वास का वेरिफिकेशन, ईमान का कंफर्मेशन। ध्यान दीजिए इन पंक्तियों पर, सत्य का अटेस्टेशन, विश्वास का वेरिफिकेशन, ईमान का कंफर्मेशन। आदमी आता कौन झुकता,
आदमी आता कौन झुकता, कौन पहचानता, मोहर आती जैसे सब नाक रगड़ते, जन्म से पहचानते। आदमी आता कौन झुकता, कौन पहचानता, मोहर आती जैसे सब नाक रगड़ते, जन्म से पहचानते। आदमी से आदमी की कुर्सी कड़ी होती है, आदमी दबता कुर्सी खड़ी की खड़ी रहती है। तो मित्रों, आज की ये पहली कविता मेरे दिवंगत पिता की उन स्मृतियों को समर्पित, उनकी स्मृतियों को सादर नमन, और मेरा प्रयास रहेगा आने वाले समय में इसी तरह की और भी कुछ कविताएं अलग अलग दौर में लिखी गई आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।